मेरा नाम फरहान अहमद सिद्दीकी है। मेरे पिता का नाम समी अहमद सिद्दीकी है। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मेरा फिफ्थ ईयर वहाँ चल रहा था। और क्राइसिस, रसिया और यूक्रेन की क्राइसिस होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई गई हैं, बट मैं अपने घर बहुत सुरक्षित पहुँच गया हूँ। और वहाँ पर रोमानिया बॉर्डर के थ्रू मैं आया, रोमानिया सीरत बॉर्डर के थ्रू मैं अपने घर आया हूँ। और सीरत बॉर्डर क्रॉस करने में मुझे कम से कम 13 से 14 घंटे लगे। और वैसे तो क्रॉस करने में उस दिन मैं 26 तारीख को आ गया था, उसके बाद जो क्रॉस कर रहे हैं उनको बहुत टाइम लग रहा है, 26 घंटे 48 घंटे। कोई प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही हैं, बट जिसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसकी किस्मत सही है, वो क्रॉस कर ले रहा है। और हमारी एम्बेसी जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है हम सबके साथ में। और जो हमारी केंद्र सरकार है वो बहुत अच्छा कोऑपरेटिव कर रही है। और जो हमारी केंद्र सरकार है फ्लाइट्स अवेलेबल करा रही है, एम्बेसी को नोटिस जारी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें वहाँ पर प्रोवाइड कराए। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर से हमें ले करके जाए हमारे एयरपोर्ट तक की, और एयरपोर्ट से हम लोगों की जब फ्लाइट हो जाती है, फ़्लाइट लेने के बाद में हम दिल्ली एयरपोर्ट बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट से हम सबको अपने अपने विधान भवन लाया जाता है। जो यूपी का है यूपी विधान भवन लाया जाता है, जो एमपी का है एमपी विधान भवन लाया जाता है, सबके अपने अपने विधान भवन। और वहाँ आने के बाद में सबको अपने रूम अलॉट्स करते हैं। रूम अलॉट्स के बाद में वो अपना फ्रेश होते हैं, नहाने धोते हैं, जो भी उनको करना है करें। उसके बाद उनको खाने की व्यवस्था फुल दी जाती है। उसके बाद उनको बाकायदा गाड़ी दी जाती है, गाड़ी से उनको अपने घर तक छोड़ने का पूरा इंतज़ाम देते हैं। और सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। और एक उनका मिशन निकाला गया है गंगा योग, तो उसके तहत ये वर्क कर रही है। और इसमें दोनों गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी। और मैं सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ।